आर्किटेक्ट के बिजनेस में हैं, आप जब किसी कस्टमर के सामने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट लेके 1.5 करोड़ का, वो एक फाइनल परफॉर्मेंस होना चाहिए, और वो फाइनल परफॉर्मेंस आपकी जिंदगी का बेहतरीन परफॉर्मेंस होना चाहिए। यानी हर बार आप गए तो आपको चेक मिला, आपको ऑर्डर मिला। बहुत सारे सेल्स के बंदे हैं 10-10, 20-20, 30-30 कस्टमर के पास पूरा पूरा महीना जाते हैं और खाली हाथ आते हैं। इसका मतलब है कि ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट। How was the program? Yeah, that was amazing. Sir, how was the program? Yeah, very nice, wonderful. आज तो फर्स्ट क्लास सर। Very nice, very nice. Fantastic. और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। बड़ा आनंद आया इसमें, ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ करने की एक अलग ही जिज्ञासा लगी। It was really good, very motivating for us. I hope I'll implement whatever I have learned today. Smart से मैं 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। और जो भी प्रोग्राम जितना भी होता है मैं कोशिश करके अटेंड करता ही हूँ जरूर। आई एम कम्प्लीटली इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, फाइन, वेरी फाइन, अमेजिंग फीलिंग, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होता, काफ़ी इम्प्रेसिव और एनर्जेटिक है कि अब जाके कुछ वापस करेंगे हम लोग। इट वाज अमेजिंग, वेरी नाइस। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास था। इसमें सबसे ज़्यादा फर्क मालूम हुआ मुझे, परफॉर्मिंग एक अलग चीज़ होता है और परफॉर्मेंस कुछ अलग चीज़ होता है, ये दोनों का खास डिफरेंस मुझे पता चला। आई हैव नेवर बीन लेट फॉर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ अ क्लाइंट फॉर द लास्ट 34 इयर्स। आज तक वो ट्रेन बनी नहीं है जो मुझे लेट कर सके, आज तक वो प्लेन बनी नहीं है, आज तक वो ट्रैफिक जैम बनी नहीं है जो नायर को एक सेकंड भी एक मीटिंग के लिए गलती से भी। तो मेरा डायलॉग क्या है, मैं या मेरा डेड बॉडी, दोनों में से एक जरूर टाइम पे आएगा। नाउ आई हैव बीन इन अ पोजिशन टू गिव अ परफॉर्मेंस ऑन रीचिंग ऑन टाइम फॉर 34 इयर्स, 34 years, and I've never given a reason why I am late. उस दौरान मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, उस दौरान my wife met with an accident, my father had a stroke, my mother had a problem, accidents happened, things went wrong, there were problems at home, लेकिन मैंने जो time दिया था time पे मैं आया जरूर। That means I always wanted to give a performance, I never wanted to give a reason, I always wanted to produce. We learn lots of from Santosh and Smart Parivar. We really appreciate the moment what we are having it here. Basically, one should upgrade regularly, and it brings lot of life back. It's like, you know, you need a pep up every 2-3 months. It's good. हम क्या संतोष नायर का जो motivational program है, अभी तक हमने कोई भी विगत 3 वर्षों से कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा है, सभी प्रोग्राम करते हैं। आणि आमच्या पूर्ण टीमला पण घेऊन आलेलो आहे मी, ज्या टीमने ॲडव्हान्स गुरुकुलमध्ये नव्हती त्या टीमला मी घेऊन आलेलो आहे, कारण ॲडव्हान्स गुरुकुलमध्ये बऱ्यापैकी क्लिअरिटी आली होती परफॉर्मन्स मॅनेजमेंटसाठी, आणि या प्रोग्राममध्ये तर टीमला पण क्लिअरिटी आलेली आहे। एक्सक्यूजेस देना, रीझन देना, उसको स्टॉप करणे का जो बोला वो बहुत बड़े चीज। आय बिलीव आय एम गेटिंग 200% अब ऑन माय इन्व्हेस्टमेंट ऑफ टाईम अँड मनी। आय गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस प्रोग्राम अँड आय रेकमेंड दिस टाईप ऑफ प्रोग्राम्स, इवन आय विल थिंक अबाउट द ॲडव्हान्स गुरुकुल। बेसिकली इट फील्स लाईक ही गोज इन द माइंड अँड इन्स्टिगेट युअर थिंकिंग अँड इट इन्स्टिगेट यू टू डू समथिंग डिफरंट। मेरा नाम प्रकाश भंडारे, हर टाइम मैं कर्नाटक से आते रहता हूँ, मैं डोर टू डोर सेल्स का बिजनेस करता हूँ, मेरा टीम है, टीम के लिए नायर सर का मोटिवेशन मेरे को बहुत हेल्प करता है, इसके लिए हर टाइम मैं आके मोटिवेटेड के लिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेनिंग अटेंड करते रहता हूँ। ये आजकल छोटे मोटा जो बिजनेस करते रहते हैं, बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग किया हूँ लेकिन बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, नायर सर का अटेंड करने के बाद मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है सब पता होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्मार्ट एंड कंसल्टेंट। आज मला शिकायला हे मिळालं की एम्प्लॉय कोणालाही एम्प्लॉय करताना आपण बायोडेटावर जातात आणि तो बायोडेटावर जाऊन त्या त्या चक्रव्यूहमध्ये फसून जातो एंटरप्रिनर नॉर्मली, आणि त्याने हे सांगितलं की रेफरल्सवर काम करा, रेफरल्सला विचारा काय आहे म्हणून, आणि इट वॉज वंडरफुल। आणि हा शो ॲक्च्युली प्रत्येक एंटरप्रिनरने आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ड्रिल करून घेतलंच पाहिजे। वी आर इम्प्लिमेंटिंग द परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टम इन द कंपनी नाव, सो वी गॉट लॉट ऑफ इनपुट्स अँड वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट एव्हरीथिंग वॉट वी लर्न टुडे इन द कंपनी। जो लोग परफॉर्मेंस करता है वो लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो परफॉर्मिंग करता है वो हमेशा रीजन, एक्सक्यूज और कंडीशन दिया करता है। तो ये सबसे अच्छा प्रोग्राम हुआ आज। स्मार्ट से तो कई सालों से मैं जुड़ा हूँ, फिर भी आते रहता हूँ, नॉलेज नाइट करते रहता हूँ, हर प्रोग्राम का आने का कोशिश करता हूँ, फिर आना भी चाहता हूँ और जुड़ा भी रहूँगा।
जिंदगी भर तक। परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर्स एंजॉय प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लफड़े नहीं चाहिए, किसी तरह का अनबन नहीं चाहिए, किसी तरह का चैलेंज नहीं चाहिए। दे वांट यू नो स्टैटिकनेस, दे वांट गारंटी, दे वांट यू नो सिक्योरिटी, दे वांट सेफ्टी। ही डिडंट वांट एनी गारंटी, ही डिडंट वांट एनी सिक्योरिटी, एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट लाइफ। द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और ए वर्ल्ड का एक बढ़िया कंपनी बनाना है, ये स्पिरिट को आपको जिंदा रखना ही है। अगर आपको एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस ड्रिवन कंपनी बनाना है, जो समझता है स्मार्ट को वो ढूंढता है, जो ढूंढता है वो सहता है, जो सहता है वो रहता है, जो रहता है उसका जय जयकार होता है, उसका वो परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर बनता है। अगर ये आपके मन में ये विचार आया कि आज के बाद मैं ये रीजन देना बंद कर दूंगा और मैं टाइम का डेडलाइन के अंदर काम करूंगा और मेरे को बोला हुआ टाइम के अंदर मैं करूंगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम आपके दिलो दिमाग पे इफेक्ट किया है।